हेलो गाइस, माय नेम इज आयुष मिश्रा। आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ ब्रिटिशर्स के अंदर। सबसे पहली बात कुछ और भी बताना चाहूँगा। ब्रिटिशर्स जो थे उनका आगमन हमारे देश में 1600 के आसपास में हुआ था। उसके 173 ईयर्स में उन्होंने देश में कब्जा कर लिया था। ऑलराइट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 1765 तक उन्होंने ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के कारण उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए थे कहाँ के, बंगाल के, बिहार के एंड उड़ीसा के। ऑलराइट, तो दीवानी राइट्स से उन्होंने उस एरिया का कंप्लीटली रेवेन्यू एज वेल एज सिविल जस्टिस संभाल लिया था। फिर बाद में कुछ ये तो हिस्ट्री का टॉपिक है, ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी जिसमें से जिन्होंने ब्रिटिशर्स ने ओवरथ्रो कर दिया था सारे मराठा एंड यू नो मुसलमान जो थे वहाँ पर, निज़ाम्स वगैरह थे, उन सबको थ्रू आउट करके उन्होंने अपने इस्टेब्लिशमेंट कर ली थी। तो अब जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं या फिर जब हम देखते हैं कि पॉलिटी की शुरुआत कैसे होती है ब्रिटिश के अंडर में, तो हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका डेवलपमेंट दो फेज में हुआ था। पहला था कंपनी रूल, जो ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी उसका रूल चला था, और उसके बाद फिर क्राउन रूल आ गया था। तो ओवरव्यू आपको बताऊं तो कंपनी रूल की जो शुरुआत थी वो 1773 में शुरुआत हुई थी एंड वो खत्म हुई थी 1858 में, और क्राउन रूल 1858 में शुरू हुआ था एंड 1947 तक क्राउन रूल चला था। ऑलराइट, जैसे ही कंपनी आई थी ईस्ट इंडियन कंपनी ने शुरुआत कर दी थी यहाँ पर देश में हमारे हुकूमत करने की, तो वो एज ए बिजनेसमैन आए थे, ट्रेडर्स के रूप में आए थे। उन्होंने फिर भी शुरुआत कर दी थी, उन्होंने पूरी मिलिट्री एंड कंप्लीटली उनको क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से उनको वो मिला हुआ था, चार्टर मिला था, जिसके कारण वो ट्रेड करने की उन्हें फुल ऑन उनको आज़ादी थी। पता नहीं उनको इंडिया की अथॉरिटी किसने दे थी, आई डोंट नो। लेकिन चलिए हम बात करते हैं फिर। कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था बाई द यूएसए इन द ईयर ऑफ 1798। फैक्ट है, याद रखना चाहिए आपको। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट लार्जेस्ट यूगोस्लाविया। ऑलराइट, कंपनी रूल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 1773 से शुरुआत हुई थी टू दी 1858। सबसे पहले जब जैसे कंपनी रूल आया था देश में, सबसे पहले उन्होंने काफी सारे एक्ट्स निकाले थे। सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नर थे बंगाल के उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ऑलराइट, एंड साथ में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1774 में, जो कि कैलकटा में स्थित था और फोर्ट विलियम्स में गवर्नर जनरल साहब रहते थे। सर वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ऑलराइट, उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी जो कि 4 मेंबर्स की थी। एंड जैसे मैंने आपको बता चुका है सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हो चुकी थी 1774 में। सुप्रीम कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस इंडिया के थे, उनका नाम था लॉर्ड एम्पले, एंड उनको असिस्ट करने के लिए 3 जजेस और थे। ऑलराइट, तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया गया है। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनको बताया गया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 नंबर में थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठते थे, और वो कंप्लीटली रेवेन्यू इंडिया से जो भी रेवेन्यू जा रहा है, जो भी सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स चल रहे हैं इंडिया में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको क्राउन को देनी पड़ेगी। दैट मींस आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारी चीजें बतानी पड़ेंगी एनुअल रिपोर्ट में। ऑलराइट, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। उसके बाद एक्ट आता है ज्यूरिसडिक्शन एक्ट ऑफ, ये 8 साल बाद आया था 1773 के, ज्यूरिसडिक्शन एक्ट ऑफ 1781। इसे कई नाम से जाना जाता है, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी है और इसे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें जो गवर्नर जनरल और उनके कंप्लीटली ब्रिटिश स्टाफ को सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी से अलग कर दिया गया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऑलराइट, और जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं कलकत्ता के उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राइट्स लगेंगे। ऑलराइट, और जो भी ब्रिटिश के स्टाफ हैं वो ब्राइब्स वगैरह नहीं लेंगे। देन और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस के बेसिस पे
सजा देगी, अगर कोई हिंदू है तो उसे हिंदू धर्म के हिसाब से सजा दी जाएगी, अगर कोई मुसलमान है तो उसे मुसलमान धर्म के हिसाब से, मोहम्मेडियन लॉ जो था उसके हिसाब से उनको सजा दी जाएगी। ओके, और जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, लोकल कोर्ट्स थे, उनमें जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस थे वो गवर्नर जनरल बनाएंगे। अगर आपको प्रोविंशियल कोर्ट से दिक्कत होती है, आपको जस्टिस नहीं मिलती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जाकर आप पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएंगे, उसके बाद अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप, अगर आप अपील कर सकते हो 5,000 पाउंड के ऊपर की उस समय, तो आप किंग इन काउंसिल में या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये था सेकेंड लॉ, सॉरी सेकेंड एक्ट था, जिसे हम ज्यूरिसडिक्शन एक्ट ऑफ 1781 बोलते हैं। इसके 3 ईयर्स बाद एक और एक्ट आया था, ये था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया का नाम कैसे पड़ा, जो विलियम पिट्स थे वहां के पीएम थे उस समय के, तो उन्होंने काफी चीजें निकाली थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी का जो कमर्शियल पर्पस एंड पॉलिटिकल पर्पस को बाइफरकेट किया। कमर्शियल पर्पस जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस या पॉलिटिकल पर्पस था या मिलिट्री एंड जस्टिस पर्पस था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा। ऑलराइट, उसके बाद उन्होंने फिर पहली बार ऐसा ब्रिटिशर्स ने माना था कि जो इंडिया में जो भी जगहें हैं वो ब्रिटिशर्स के अंदर थी। ओके, तब तक वो अपने आप को बिजनेसमैन समझते थे, लेकिन अब उन्होंने कंफर्मली ठप्पा लगा के बात बता दी थी कि जगह जो भी जगहें हैं इंडिया में वो ब्रिटिश पोजिशन हैं, और कोई भी कंट्री वहां पर ट्रेड करने फ्री ट्रेड नहीं है, वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद एक्ट ऑफ 1786 आया। एक्ट ऑफ 1786 में जो जो विलियम पिट्स थे उनको एक उन्होंने उनको एक उन्होंने एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया था, जिनका नाम था सर लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ओके, उन गवर्नर जनरल की दो अपील्स थी, दो उन्होंने मांगे रखी थी, अगर आपको मुझे पोस्ट देनी है तो आपको दो बार माननी पड़ेंगी। फर्स्ट बात क्या थी कि मैं कभी भी अपने काउंसिल की डिसीजन को ओवरराइड कर सकता हूँ स्पेशल केसेस में, एंड मुझे कमांडर इन चीफ का पद चाहिए। तो उन्होंने विलियम पिट्स ने ये बात मान ली और उनको ये बात दे दी गई थी। यही था एक्ट ऑफ 1786। उसके बाद अ नंबर ऑफ चार्टर एक्ट्स है, चार चार्टर एक्ट्स आते हैं, हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आएगा। 1773 के 20 साल बाद, दैट मीन्स 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट आता है। इसमें जो भी लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने डिमांडें रखी थी, ये रूल्स हर एक गवर्नर जनरल के लिए लागू कर दिया गया था। जो भी सक्सेसर और जो भी गवर्नर आएंगे उन्हें ये राइट्स दी जाएंगी। ऑलराइट, एंड जो सेंट्रल प्रोविंस था मतलब, तो ये और गवर्नर जनरल को के अंदर ही बॉम्बे एंड मद्रास की प्रोविंसेस आ गई थी। ठीक है, जो ट्रेड मोनोपोली था ईस्ट इंडियन कंपनी को, उसको 20 साल के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया गया था, ऑफकोर्स की बात है। एंड जो कमांडर इन चीफ होंगे, जो भी कमांडर इन चीफ बनेगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए, अनलेस एंटिल उसे अपॉइंट किया जाए। देन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस संभाल रहे थे इंडिया में, उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से ही काटी जाएगी। ये था फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793। आफ्टर दैट सेकेंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हम देखेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे हम देख रहे थे उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी सपोर्ट किया था। ऑलराइट, तो उन्होंने हर एक मर्चेंट के लिए ओपन कर दिया गया था कि वो इंडिया जाके अपनी ट्रेड कर सकता है, एंड अबॉलिशन कर दिया गया था ईस्ट इंडियन कंपनी को ट्रेड मोनोपोली देने से। एंड जो ट्रेड मोनोपोली थी वो, लेकिन टी मतलब चाय, एंड ट्रेड विद चाइना, इसकी मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास थी, लेकिन सारे मर्चेंट्स के लिए ओपन था कि इंडिया में आके कोई भी आदमी वो ट्रेड कर सकता है। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी की शुरुआत हुई इंडिया में, बता दिया गया कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं क्रिश्चियंस को। उसके बाद जो इनहेबिटेंट्स थे ब्रिटिश पोजिशन की इंडिया में, उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी। ऑलराइट, कुछ 1 लाख उस समय का कुछ खर्च निकाला था सरकार ने पूरे इंडिया का एजुकेशन के लिए। एंड जो लोकल गवर्नमेंट है वो टैक्स लेगी फ्रॉम द पीजेंट्स, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट पास अथॉरिटी है कि वो उन्हें पनिशमेंट भी दे सकती है। ये था सेकेंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके बाद, इसके जस्ट 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट आया, उसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, जो ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे सर विलियम बेंड्रिक। ऑलराइट, सर विलियम बेंड्रिक फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। देन और जो गवर्नर जनरल थे उनको सारी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर दे दी गई थी। ऑलराइट,
सारे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर उन्हें प्रोवाइड कर दी गई थी। जो भी लेजिस्लेटिव पावर पहले गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को दी गई थी, उनको डिप्रोवाइड कर दिया गया उस चीज़ से, एंड उनकी पावर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। और मेन जो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो भी अथॉरिटी थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में थी उस समय। ऑलराइट, एंड जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसको एज अ कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट बना दिया गया ऑन द बिहाफ ऑफ किंग एंड हिज मैजेस्टी। ऑलराइट, उनको एज अ उनका कमर्शियल रोल एकदम हटा दिया गया कि आपका कोई कमर्शियल काम नहीं है ईस्ट इंडियन कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी एक एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इंडिया में जो कि किंग के बिहाफ में वहां पर काम कर रही है। ओके, और उन्होंने इस चार्टर एक्ट के थ्रू, मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू उन्होंने ट्राई किया था कि वो इंडिया में सिविल सर्विसेज को भी खोले, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उस समय जो कि कमर्शियल सामान संभाल रहे थे, उनकी अपील पे इस चीज को मना कर दिया गया था। तो ये ओपन कंपटीशन नहीं हो पाया था सिविल सर्विस में। लेकिन जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट में सिविल सर्विस की शुरुआत हुई थी, जो कि चार्टर एक्ट था 1953 का। उससे पहले हम चार्टर एक्ट ऑफ 1953 बताते हैं, उससे पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जो टीबी मैकॉले थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, एंड ही वॉज दी चेयरमैन ऑफ लॉज कमीशन। ऑलराइट, उन्होंने एक सिविल सर्विसेज की एक कमीशन कमिटी भी बनाई थी जो कि जो कि 1544 में चली थी, या 1534, सॉरी नहीं 1854 में चली थी। इन्होंने एक अपनी कमीशन बनाई थी, मैकॉले कमिटी, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बनाई गई थी इंडिया में शुरुआत करने के लिए। ये 1854 में स्थित हो गई थी और इन्हीं के कारण ही आज सिविल सर्विसेज इंडिया में है, मतलब शुरुआत इन्होंने ही की थी सिविल सर्विसेज की उस समय। और सेक्शन 87 में रूल निकाले गए थे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अमंग द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस, एंड एक्ट 5 ऑफ 1543 में बताया गया था कि एबोलिशन हो जाएगा, स्लेव ट्रेड नहीं होगा एकदम भी। अब हम बात करते हैं अपनी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, सॉरी हाँ या 1853। इसमें क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको कंप्लीटली उन्होंने एग्जीक्यूटिव, मतलब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हमने बता चुका है आपको कमर्शियल बॉडी बना दी गई थी। इसमें क्या होता है, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इनके पास लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर थी, उसको भी बाइफरकेट कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके पास दो तरह की पावर बढ़ गई, उसमें लेजिस्लेशन संभालने के लिए, लॉ मेकिंग बॉडी संभालने के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई, और एग्जीक्यूशन के लिए मिलिट्री एंड सिविल दो अलग थी। जो लेजिस्लेशन संभालने के लिए जो लॉ मेकिंग बॉडी थी वो एक 6 मेंबर की काउंसिल बनती है, उसे हम बोलते हैं इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके जो मेंबर्स थे उन्हें काउंसिलर्स बोला जाता है, और जो ये 6 में से 4 जो लॉ मेंबर्स थे उस समय, उनकी अपॉइंटमेंट लोकल प्रोविजन जो कि मद्रास, आगरा, बॉम्बे एंड बंगाल से उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और उनको अपॉइंटमेंट फर्स्ट टाइम एक मिनी पार्लियामेंट का हम सिस्टम देखते हैं इंडिया में इस चार्टर एक्ट के थ्रू जो 1853 का था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हो गई थी। आफ्टर दैट मैंने इससे आपको मिनी मिनी पार्लियामेंट के बारे में भी बता दिया, एंड दूसरी बात सिविल सर्विस की शुरुआत हो चुकी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 1854 में जो मकौले कमेटी थी जो कि सिविल सर्विसेज का सिस्टम देखेगी इंडिया में, तो सेक्शन 87 के कारण कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ब्रिटिशर्स और इंडियंस के कारण में, तो इसलिए तो उन्होंने एक नई कमेटी की शुरुआत की थी जिसने सिविल सर्विसेज का एडमिशन, सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन ओपन कर दिया था। जो भी एलिजिबल थे, जो एग्जाम निकाल सकते थे, उन्होंने एग्जाम निकाला और उनको और सरकार में जॉब मिली थी। तो ये था कंप्लीटली कंपनी रूल। आज मैंने पूरा बता दिया आपको, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद क्या होता है, हम सिपॉय म्यूटिनी हो जाती है 1857 में। आपको पता है फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो था हमारा मंगल पांडे साहब ने किया था एक ब्राह्मण के कारण, एंड
उन्होंने जैसे सिपॉय म्यूटिनी की थी, तो फिर ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया था कि ईस्ट इंडियन कंपनी से कुछ नहीं हो सकता है अब, तो फिर उन्होंने क्राउन रूल आया था 1858 से, क्राउन रूल की शुरुआत हुई थी और वो 1947 तक चला था। तो हम क्राउन रूल की फिर कभी बात करेंगे, फिर कभी मतलब नेक्स्ट पॉलिटी के वीडियो में बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में। ओके गाइस, थैंक यू, जय हिंद।